अलीगढ़ में खेत में मिला मासूम का शव, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, छानबीन में जुटी पुलिस। बलरामपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस से चोरी हुई कार के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा। बरेली में युवक को भगवान राम का किरदार निभाना पड़ा भारी, धर्म के ठेकेदारों ने दी युवक को धमकी, युवक ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 12 घंटे में किया लूट का खुलासा, मौके पर 6 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बरेली के थाना बरादरी निवासी दानिश नाम के युवक को रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाना कुछ धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं हुआ। दानिश पुराना शहर निवासी है और एक नाटक कलाकार है। दानिश अक्सर रामलीला और अन्य कार्यक्रमों में भगवान राम का किरदार निभाता है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों को दानिश का रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाना रास नहीं आ रहा है। बीते दिन दानिश के घर में ही रहने वाले किरायेदार ने दानिश को डराया, धमकाया कि भगवान राम का किरदार निभाना बंद कर दे वरना अच्छा नहीं होगा, और अगर ऐसा करता रहेगा तो हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन धर्म के ठेकेदारों की धमकियों से डरकर दानिश अपने मुस्लिम कलाकारों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर दानिश नाम के एक युवक को राम का किरदार निभाना महंगा पड़ गया, और इतना महंगा पड़ गया कि अपनी जान बचाने के लिए अब दानिश को एसएसपी कार्यालय पहुंचना पड़ा और न्याय की गुहार वहां पर लगानी पड़ी है। आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति पुलिस कार्यालय उपस्थित आए, उन्होंने कहा कि साहब मेरे कुछ किराएदार हैं, वो हमारा मकान नहीं खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है रामलीला में पार्ट करते हैं और हम खाली नहीं करेंगे। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको संबंधित थाने में जांच में आवश्यक कार्रवाई प्रेषित कर दिया गया। पूरी बात दादा ये है कि मैं एक कलाकार हूँ, इसके नाते मैं सब धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे एक दुकानदार हैं खालिद और फ़राकिब, उनको मेरे रामलीला करने से दिक्कत है। मैं रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूँ और 23 तारीख को योगी जी का प्रोग्राम जैसे निर्धारित है यहाँ पर रामलीला का, तो उसमें मैं राम कर रहा हूँ, तो उनको इस बात से ऑब्जेक्शन है। मैं पिछले कई सालों से रामलीला करता चला आ रहा हूँ, हमेशा से इस बात को मेरे लेके उनसे विवाद होता था। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार वो कल करीब 10:30 बजे करीब मेरे घर में आ गए और उनके हाथ में छुरी थी, कहने लगे कि तुम्हें तू बचेगा ही नहीं, तू रामलीला में राम का कैरेक्टर करेगा। तो मतलब मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपके धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारा मसला यही, इसी बात को लेकर उनसे मेरा पिछले करीब 3-4 साल से हॉट टॉक चलता था। क्यों विरोध करते हैं? वो मेरे ख्याल से मैं मुस्लिम हूँ, उनके हिसाब से एक मुसलमान राम का कैरेक्टर नहीं कर सकता, और मेरे हिसाब से मैं एक कलाकार हूँ, इसलिए मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे करना चाहिए। पूरा मामला है जहां पर दानिश को राम का किरदार निभाना महंगा पड़ गया, और इतना महंगा पड़ा कि दानिश को अपने साथी कलाकारों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचना पड़ा और न्याय की गुहार लगानी पड़ी है। बता दें दानिश एक कलाकार है और ऐसे में रामलीला में वो राम का किरदार निभाता है और काफ़ी समय से वो इस किरदार को निभाता आ रहा है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों को ये हजम नहीं हुआ और इसीलिए उसको धमकी दी, उसको डराया गया। अलीगढ़ जिले के थाना गोंडा इलाके में 4 साल की मासूम का शव धान के बीच खेत में पड़ा मिला। परिजनों की तरफ से बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोंडा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद गुमशुदा बच्ची का शव उसके घर से करीब 400 मीटर दूर धान के खेत में भरे पानी में पड़ा मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम की तरफ से घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। किला बिरखो गांव थाना गोंडा अंतर्गत, यहां पर पुलिस को सूचना मिली कि खेत में एक बच्ची का शव यहां खेत में मिला है, तो मौके पर तुरंत ही थाना पुलिस पहुंची और सीओ और मैं एसपी ग्रामीण हम भी मौके पर पहुंचे हैं।
फील्ड यूनिट को यहाँ पर बुलाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही जो अन्य साक्ष्य उनको संकलित किया जा रहा है। इसमें मुकदमा पूर्व से दर्ज है, उसमें धाराएं तरमीम करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। उनको बहुत भारी संजीवन से बांधा हुआ है और उनको बहुत बुरी तरीके से मारता है। आज भी सुबह जब चीखें चिल्ला रही थी तो मदरसे से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं और एक हमारे दोस्त दोनों को बचाने के लिए गए, तो हमने बचाने के लिए बात करें उनको रोकने के लिए, तो उसने उसके बच्चे ने बेटे ने और बहुत सारे मदरसे बच्चों ने हमारे साथ 8 घंटों से मारपीट की, बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है जिससे हमारे ऊँट उल्टे आए हुए। नहीं, चीखने पुकारने की कैसी आवाज़ है, क्या बच्चों की आवाज़ें थी, क्या क्या बच्चों की आवाज़ें थी, बच्चों को बांधकर मारा जा रहा था बहुत डंडे बस से। लगभग कितनी जंजीरों से बच्चे बंधे हुए हैं? तकरीबन बहुत भारी चीज से भैंस बांधी जाती है, बहुत तकरीबन 4-5 जंजीरों से बच्चे बंधे हुए हैं। कितने बच्चे होंगे तकरीबन? तकरीबन 4-5 बच्चे बंधे हुए हैं। आपने इसका विरोध करा फिर? जी, हमने इसका विरोध किया तो हमारे साथ ही मारपीट की, बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को मारा है, मुझे और मेरे दोस्त। मदरसे का ये फर्जी है, ये फर्जी मदरसे चला रहा है, मतलब बच्चों से जो है कमाई करवा रहा है बच्चों को। किस तरह की कमाई करवा दी? बच्चों को रसीद दे के पर्ची लेके निकाल देता है और पढ़ाई नहीं है, और बच्चों को जो है बाहर से लाकर जो रस्सी बाहर मारपीट कर रहा है और बच्चों को जो है बांध कर जुल्म कर रहा है बच्चों का। किस तरह से बांधते, काय से? जंजीरों से बांध देता है बच्चों को, और जंजीर बहुत मोटी वाली जंजीर बच्चों के पैरों में बंधी हुई है, और बच्चे जो है पढ़ने से मना करते हैं, मतलब उनको मार रहा है जबरदस्ती, उनसे बच्चों को पढ़ा रहा है वो। और आज भी बच्चों की जो है मारपीटने की आवाज़ आ रही थी रोने की उनकी, हम उसके लिए बचाने के लिए बच्चों को देखने के लिए गए थे, हमने उससे कहा भाई बच्चों को तुम पढ़ाने के लिए ला रही हो या मारने के लिए ला रही हो? उसने उस पर जो है हमसे बदतमीजी की, हमें मारा है, लेकिन छूट है हमारे, और हम तो जो है बदतमीजी बहुत ज़्यादा की है। कहाँ पर मदरसा है? लड़िया पर मदरसा है, पंगुती नाम है उसका। तो इसकी शिकायत आपने कहीं कभी करी है? जी, शिकायत जो है हमने आज करी थी थाने में, हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं हमारे वो हमें लौटा के ले आए कि चलो कोई बात नहीं छोड़े इसको, और ये उसका हाथ से ज़्यादा जुल्म पड़ता जा रहा है, बढ़ता था और बदतमीजी बहुत ज़्यादा करता है वो। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर हेमंत कुटियाल के निर्देश में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र और क्षेत्र अधिकारी उतरौला उदय राज सिंह के पर्यवेक्षक और प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह के नेतृत्व में थाना उतरौला पुलिस टीम की तरफ से मुखबिर की सूचना पर गुमड़ी पुल अंतर जनपदीय सीमा के पास लगे पुलिस बैरियर के पास से अभियुक्त शहादत अली खान को चोरी हुई कार 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। बता दें उपरोक्त बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की तरफ से पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। टाटा हैरियर कार रात में अज्ञात लोगों द्वारा चलाई गई और कस्बे में इस तरह की घटना की वारदात को हमारी थाने पुलिस, हमारे इंस्पेक्टर उतरौला अनिल कुमार सिंह वान की टीम ने चैलेंज के रूप में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आज रात में अभियुक्त को चोरी गई टाटा हैरियर कार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी बरामद है और इसमें उल्लेखनीय बात यह भी है कि इस घटना को हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, हमारे SSP महोदय द्वारा प्रायोरिटी पर लिया गया और इसकी तलाश और बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीम को भी उन्होंने लगाया, जिसका प्रतिफल ये रहा कि बहुत ही कम समय में ये वारदात का खुलासा हुआ है और अभियुक्त को आवश्यक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। नहीं, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इसका कोई अभी आपराधिक इतिहास बनाना नहीं है और फिर भी इसको अभी और गहराई से देखा जाएगा, सारी कठोर कार्रवाई की जाएगी, यदि इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध होंगे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देश में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र, क्षेत्र अधिकारी उतरौला के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक रहरा बाजार प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रहरा बाजार की पुलिस टीम की तरफ से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस के साथ अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है। बीती रात जनपद बलरामपुर के रहरा थाना के पेहर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस संदर्भ में यह अवगत कराना आवश्यक है कि
पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ लोग एक गाय को ले करके जा रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तरफ से पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस ने सुरक्षार्थ उन पर फायर किया, जिससे मकबूल नाम के एक अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके दो साथी जो साथ में थे वो भाग गए मौके से। उनको प्राथमिक उपचार के उपरांत जो है संयुक्त जिला चिकित्सालय पे भेज दिया गया है, जहां ट्रीटमेंट चल रहा है। अभियोग पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें यह भी अवगत कराना है कि हमारा एक आरक्षी भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है, और मौके से एक गाय, 315 बोर का एक कट्टा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और गोवंश के अपराध से जुड़े उपकरण बरामद किए गए हैं। फतेहपुर पुलिस ने किशनपुर थाना क्षेत्र में हुई किराना व्यापारी के साथ लूट की घटना का 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि लुटेरों का भागते हुए वीडियो किसी ने मोबाइल पर कैद कर लिया था, जिस आधार पर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी पलहावा गांव के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और ऐसे में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके से 6 अभियुक्तों को किराना व्यापारी से लूटे हुए 18,000 से ज्यादा रुपयों के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और 7 मोबाइल फोन के साथ ही मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कल किशनपुर क्षेत्र में एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें श्याम जी अग्रवाल नामक व्यापारी से करीब 2,00,000 रुपये बदमाशों ने छीन लिए थे हाथ में मिर्ची डाल करके। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ये संयोग था कि हमको कहीं से एक अच्छी वीडियो मिल गई, जिसके आधार पर हम लोगों ने बाइक और बदमाशों को ट्रेस किया। रात भर हमारी एसओजी टीम और किशनपुर की टीम लगी रही, इनका पीछा करती रही। इनको पता नहीं चला, लेकिन इनका फ़ोन नंबर भी पता चल गया था। आज मुखबिर के आधार पर हम लोगों को पता चला कि खागा और विजयपुर के बीच में ये एक जगह इकट्ठा होकर के और पैसे का बंटवारा करने वाले हैं। उस दौरान ये 3 मुलजिम, जिसमें राशिद नाम का बदमाश है जो पहले 4 बार जेल जा चुका है, चौकसी में गया है, चोरी में गया है और NTPS में भी ये जेल जा चुका है, ये गिरफ्तार हुआ। हमजा ये भी पहले जेल जा चुका है और धर्मेंद्र पटेल ये भी जेल जा चुका है, तीनों पहले से जेल जा चुके हैं। और 3 जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उन्होंने मुखबिरी की। वहीं सुल्तानपुर के तहसीलदार सदा विदुषी सिंह की सक्रियता से पयागीपुर चौराहे के पास कंटेनर में लदे 23 पशु को पुलिस ने पकड़ लिया। तहसीलदार विदुषी सिंह ने बताया कि मौके पर कंटेनर ताला लगा था और जिसकी सूचना उन्हें मिली तो वो मौके पर पहुंच गए और ताला तुड़वा कर देखा, सभी पशु मृत अवस्था में मिले। फिलहाल पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाया गया। क्षेत्र अधिकारी नगर राघवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान सूचना मिलते ही पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा, जिसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खलासी पकड़ा गया और ऐसे में जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 27/9/21 को वाहन चेकिंग हो रही थी, जिसमें जरिए मुख्य सूचना मिलने पर एक ट्रक जिसका नंबर UP 2617 था पकड़ा गया, जिसमें 23 गोवंशीय पशु थे। इसमें से इसका खलासी उमेश चंद यादव, जो कि सरपतरा जिला जौनपुर का रहने वाला, पकड़ा गया। ड्राइवर भाग गया। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाए। देश भर में कल भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर कई राज्यों में देखने को मिला तो कई जगह स्थिति सामान्य रही। वहीं हरिद्वार में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। बाजार बंद कराने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकालनी चाहिए और इस दौरान दिनारपुर गुरुद्वारे से निकाली गई किसानों की यात्रा को पुलिस प्रशासन ने सराय में रोक दिया। प्रशासन के रोकने पर सैकड़ों की संख्या में यात्रा में शामिल हुए किसानों ने वहीं पर बैठकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। तो ये 4 तस्वीरें दिखा रहे
रहे हैं हम आपको हरिद्वार, मथुरा, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश की, जहां पर कल भारत बंद के बाद किसानों ने किस तरह से प्रदर्शन किया, ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बता दें, किसान संगठन से जुड़े किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती किसानों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। जो भारत बंद है, आज पूरा देश बंद है, उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश निर्देशानुसार हमने आज यहाँ पर रैली निकाली है और सभी दुकानदार भाइयों से प्रार्थना की है कि किसानों के आंदोलन के संबंध में आप अपने व्यवसाय आज बंद रखेंगे और तीनों काले कानून वापस दिए जाएंगे। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत बंद की कॉल करी गई थी, उसी क्रम में आज पूरे हरिद्वार में जगह जगह, लक्सर में, मंगलोर में, नारसण, भगवानपुर, तमाम जगह आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है भारत बंद का। तो हमारा ये था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ दिनारपुर गुरुद्वारे से चले अपनी ट्रैक्टर यात्रा लेकर और पूरे हरिद्वार में को हमें घुमाकर और टोल प्लाजा बहादराबाद को इसका समापन करना था, लेकिन यहाँ रास्ते में ही हम डंडी चौक पर यहाँ के प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। अब हम यहाँ सड़क पर बैठ गए, अब देखते हैं हम या तो अपने रूट पर जाएंगे। हमारा कोई विरोध प्रदर्शन किसी से वो नहीं है कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना, शांतिपूर्वक तरीके से अपना एक विरोध प्रदर्शन करना। हम 10 महीने से हमारा आंदोलन चला गया और अगर सरकार नहीं मानती तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जब तक भी हम संघर्ष करेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। अब यहाँ हम बैठ गए, यहाँ या तो हम हमारी गिरफ्तारी होगी या हम अपने रूट पर गुजर अपनी यात्रा निकालेगा, यात्रा का समापन करवाऊंगे। हमारा ना कोई प्रशासन से झगड़ा है, ना किसी व्यापारी से, ना किसी दुकानदार से, सब हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही सबका काम चलता है। प्रशासन के लोग भी हमारे भाई हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए। आप लोगों ने मुझसे आकर के किसानों के दर्द को सुनने की कोशिश की है, इसके लिए हम आपके मीडिया को, चैनल को धन्यवाद देते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जो हमारा आज भारत बंद का जो राष्ट्रव्यापी आह्वान था संयुक्त मोर्चा की तरफ से, माननीय राकेश टिकैत जी के निर्देशन पर, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव जी के निर्देशन पर, तो उसमें हम लोग सफल हुए हैं। और जहां आपने देखा है प्रत्यक्ष तौर पर, बड़ी लंबी लाइनें यहां लग चुकी हैं सुबह से अब तक, और उनमें छोटे बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, माँ भी हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ये जो जाम लग गया है ये जाम पूरी रात तक खुल पाएगा, शायद खुले खुले न खुले, तो इस पोजीशन को भी देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम बाजार में भी जाएं। ये सफल हमारा हो गया है और ये सामंजस्य रहा है प्रशासन का और हम लोगों का, टकराव नहीं हुआ। उनमें बड़े जो अधिकारी हैं, माननीय SDM महावन हैं, हमारे क्षेत्राधिकारी जो है हमारे महावन के हैं, SBRA हैं, तमाम आला अधिकारियों ने, जिले के अधिकारियों ने भी हमें इस बात के लिए कहा है कि आपकी मांगे जायज हैं लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है। तो ये जो आज का आंदोलन जो था एक दिवसीय भारत बंद का, वो हमारा सफल हुआ है। हम मीडिया को भी धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने हमारे बीच में इन सारी चीज़ों को देखा और हमारी मांगे हैं, मांगे वही हैं विधिवत, तीनों काले कानून वापस हों, MSP पे गारंटी की कानून बन जाए। महानगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक थी कांग्रेस भवन में, जिसमें तमाम व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को एक पत्र के माध्यम से किसानों के समर्थन में जो आज हिंदुस्तान बंद है उसके लिए आग्रह किया गया था कि आप सभी लोग किसानों के सम्मान के लिए, जो किसान इतने दिनों से धरने पर, हड़ताल पर बैठा है, जो अपनी मांगों की लड़ाई, हमारी मांगों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, उनके सम्मान में आप बाज़ार बंद करने का प्रयास करें। लेकिन बहुत से प्रतिनिधि, व्यापारिक प्रतिनिधि, और हमने एक डिसीजन निर्णय लिया था कि हम लोग जबरन किसी की दुकानें बंद नहीं कराएंगे, लेकिन बहुत से कुछ राजनीति से ग्रसित जो उनके जनप्रतिनिधि व्यापार मंडल के, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी करी, जिस आपत्तिजनक बयानबाजी की हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये एक सामाजिक मसला है, एक देश के किसान का मसला है, और किसान जब उगाता है तब हम लोगों का पेट भरता है। अगर हम इसको राजनीतिक मसले में जोड़ने का काम करेंगे, और व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप व्यापारियों के नेता हैं, ना कि किसी पार्टियों के नेता हैं, तो आप पार्टियों की कठपुतलियां बनना बंद कर दीजिए, और जब समाज में
एक संदेश जाया जाता है कि अब सारा हिंदुस्तान बंद होगा और किसानों के सम्मान में बंद होगा, तो आपको उसमें समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उनके उल्टे सीधे बयानबाजी की हम घोर निंदा करते हैं। महापंचायत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था, तो आज भारत बंद है, जिसको लेकर RLD पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है, यानी संयुक्त मोर्चा के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, यानी RLD भी अब कहीं ना कहीं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए संयुक्त मोर्चे के साथ है। तो वहीं ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है RLD के पूर्व विधायक राजपाल बालियान, और वहीं उसी विधानसभा से हैं जहाँ से खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत आते हैं, उसी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह वो मतलब जो ये आंदोलन है पूरी तरीके से किस तरह से उसमें समर्थन कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। विधायक जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद है, तो ऐसे में मतलब RLD ने भी समर्थन किया है, आप खुद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचे, तो कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है मामले को? राष्ट्रीय लोकदल और किसान यूनियन, ये दो अलग अलग गठबंधन और राजनीतिक पार्टी है, लेकिन किसानों की आवाज़ उठाने के लिए और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो किसान यूनियन हो और चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, हमेशा इन्होंने किसान यूनियन की लड़ाई लड़ी, और किसान यूनियन के लिए, वो किसानों के लिए आज जो किसान यूनियन आंदोलन कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें हमारा राष्ट्रीय लोकदल, हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह, राकेश टिकैत के साथ है, पूर्णतः समर्थन है और पूर्णतः समर्थन रहेगा। कहीं ना कहीं सत्ता दल के लोग कहते हैं कि RLD लगातार कहीं ना कहीं किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, क्या कहेंगे? ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि RSS के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, मतलब कहने को तो कुछ ही कहो, कहने की तो बात कुछ है नहीं, लेकिन राजनीति हम भी कर रहे हैं और राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। वो किस घटिया स्तर तक राजनीति कर रही है, क्या चंद्रमोहन जी का क्या लेना देना किसानों से? चंद्रमोहन जी को पैसा दे के, किराए पर ट्रैक्टर भेज के, किराए पर जनता भेज के, और मुजफ्फरनगर में ये दिखा रहे हैं पंचायत करके कि भाई चंद्रमोहन जी भी मांग कर रहे हैं किसानों के गन्ने के रेट की और बिजली के बिल की। नैनीताल में जहां रोज की तरह दुकानें और आवाजाही देखने को मिलती थी, वहीं भारत बंद के दौरान भी नैनीताल में इसका असर नहीं दिखा। लोग सामान्य रूप से आवागमन कर रहे थे, बाजार रोज की तरह खुले रहे। वहीं कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसानों के समर्थन में मल्लीताल गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति के पास केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया और मोदी और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद मल्लीताल कोतवाली में उत्तराखंड BJP प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ से राहुल गांधी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कोतवाल को तहरीर सौंपी गई। इस दौरान नैनीताल की पूर्व विधायक और प्रदेश महिला अध्यक्ष सरिता आर्य समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। सहारनपुर में किसान संयुक्त मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने देवबंद सहारनपुर हाईवे जामिया तिब्बिया के पास रोड जाम कर प्रदर्शन किया। पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने बताया कि आज़ादी के 74 सालों से देश का अन्नदाता किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर है। उसे उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इस देश का किसान सीधे सीधे सड़क पर है। पहले से ही किसान बहुत परेशान था, भारत सरकार की तरफ से उल्टे 3 कृषि कानून लाकर किसान को बर्बाद करने का काम किया गया है। किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान है भारत बंद का, और आज़ादी के 74 वर्षों में देश का अन्नदाता किसान कर्जबंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। उसे उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज इस देश का अन्नदाता किसान सीधा सीधा सड़कों पर है। अभी आप समझ सकते हैं कि पहले से ही किसान बहुत परेशान हाल था, उल्टे 3 कृषि काले कानून ला के भारत सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है। और अभी कल योगी सरकार ने मात्र गन्ने का 25 रुपये क्विंटल रेट बढ़ाया है 4 वर्ष में,
जबकि हमारे छोटे राज्य पड़ोसी राज्य हरियाणा में पिछले 4 वर्षों में गन्ने का रेट 50 रुपये क्विंटल बढ़ाकर उनके किसानों को दिया गया है। तो हमारी मांग है कि जो 50 रुपये क्विंटल पिछले 4 वर्षों में हरियाणा सरकार ने दिया है उसे प्रदेश सरकार हमें दे और आगे गन्ने का लाभकारी मूल्य, जो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग है कि गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपये क्विंटल सरकार करने का काम करे। जब तक गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपये क्विंटल नहीं होगा, चीनी मिलों से पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान नहीं मिलेगा और पिछले वर्षों में देरी से किया गया गन्ना भुगतान पर जो है उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ रुपये ब्याज है बकाया। जब तक ब्याज नहीं मिलेगा तब तक गन्ना किसान सड़कों पर रहकर आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के साथ मजाक किया है, इसे प्रदेश का गन्ना किसान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा और आज से बड़ा आंदोलन गन्ने के रेट को लेकर चलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।